मॉर्निंग बच्चों, सेकंड क्लास का आज का आपका हिंदी का यूटी है, तो सबसे पहले मैं आपको उसके लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगी, बेस्ट ऑफ लक। अब आप पहले सबसे पहले इस पेपर को बड़े केयरफुली पढ़ेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आप अपनी नोट कॉपी में सारा नोट डाउन करेंगे, अपने स्कूल का नाम। यूनिट टेस्ट को हिंदी में इकाई परीक्षा बोलते हैं, तो ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट है, इसलिए इकाई परीक्षा 1। फिर अपनी क्लास डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, डेट डालेंगे आज की, उसके बाद अपना नाम और अपना रोल नंबर डालेंगे आप नोटबुक पर। उसके बाद पहला प्रश्न मैंने आपको दिया है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखो। यहाँ दो शब्द दिए हैं मैंने आपको, एक तम और एक क्रोध, तो इसके बिल्कुल सामने यहाँ आप इसका अर्थ लिखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है आपका, सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाओ। यानी यहाँ पर एक प्रश्न है जिसके दो विकल्प यानी दो ऑप्शंस मैंने दिए हैं, जो राइट ऑप्शन है आप वही कॉपी में लिखेंगे, जैसे सूरज कहाँ से उदय होता है, तो जो आपको सही लगता है बस वही आप कॉपी पर लिखेंगे। दूसरा है, रानी चींटी ने हाथी को कहाँ काटा, तो दो ऑप्शंस हैं, जो राइट है आप वही लिखेंगे यहाँ पर। भाषा के कितने रूप होते हैं, तो यहाँ भी दो ऑप्शंस हैं, तो राइट आंसर को आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद चौथा है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ भी दो ऑप्शंस हैं, तो राइट ऑप्शन को ही आपको यहाँ लिखना है। तीसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पर दो प्रश्न पूछे हैं मैंने, जंगल के सभी जानवर डैस से बहुत परेशान रहते थे, तो क्या आएगा, किससे परेशान रहते थे, वो यहाँ लिखेंगे आप। भारत की राष्ट्रभाषा डैश है, तो जो भी है वो यहाँ लिखेंगे। शब्दों के विलोम लिखना है, विलोम यानी उल्टे अर्थ, यानी गर्मी का उल्टा क्या होगा, पीछे का उल्टा क्या होगा, उनको यहाँ इसके सामने लिख देंगे। अगला प्रश्न है आपका पाँचवा, सही वाक्य में राइट और गलत में रॉन्ग का चिन्ह लगाओ। तो केयरफुली इसे पढ़ेंगे पहले, हाथी जंगल का राजा था, राइट है तो राइट लगाएंगे, रॉन्ग है तो रॉन्ग। वर्ण के टुकड़े किए जा सकते हैं, तो जो भी आपको लगता है यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। छठा क्वेश्चन है आपका, मिलान करो यानी मैचिंग। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, अनुस्वार किसे कहते हैं, तो इसमें से आप देखेंगे कौन सा है अनुस्वार वाला शब्द, अनुनासिक। कौन सा शब्द अनुनासिक है, कौन सा शब्द यहाँ से विसर्ग है, और कौन सा द्वित्व व्यंजन है, तो जो भी है उसके सामने राइट आंसर लिखेंगे। यानी अनुस्वार इसमें से जो है उसको अनुस्वार के सामने, अनुनासिक जो है उसको अनुनासिक के सामने, विसर्ग जो है उसको विसर्ग के सामने, और द्वित्व व्यंजन को द्वित्व व्यंजन के सामने, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन सेवन्थ आपका आता है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहले प्रश्न उतारेंगे, मैंने यहाँ टू लाइन्स छोड़ी हैं, इसमें आप आराम से इनके आंसर्स लिख सकते हैं। तो संसार का अंधकार कौन मिटाता है, फिर आप इसका आंसर लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, चींटियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, तो यहाँ उसका आंसर लिख देंगे। और सबसे लास्ट में यहाँ मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, यानी आपकी हिंदी टीचर का नंबर, तो मेरे इस नंबर पर इसको सॉल्व करके सेंड कर देंगे। याद रखिए, क्लास ग्रुप पर नहीं, आपको यहाँ इस नंबर पर मेरा ये यूटी अपना सेंड करेंगे। थैंक यू।